हम ही नहीं, पूरा आलमी मीडिया कई हफ्तों से कह रहा था कि 8 फरवरी को होने वाले पाकिस्तान के इलेक्शन मुतनाज़ तरीन होंगे। ऐसे ही हुआ। 8 फरवरी के इंतखाबात पहले रोज से ही इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए। इनके नतज को कोई मानने को तैयार नहीं, माँ सवाए उन जमातों के जो कि जिन्होंने कि ये इलेक्शन जीता या बकौल हिजब इख्तलाफ की या उनकी जो ओपोनेंट्स हैं उनके बकौल उन्हें इलेक्शन जितवाया गया। जब इलेक्शन की रात ये सब मामला उस वक्त हुआ जब अचानक नतज जाना बंद हो गए थे। नतज सामने आने के बाद मुतनाज़ा और ये तनाज़ कैफियत जो है ये मज़ीद इसमें इजाफा हुआ। मुकामी और बैन अलावा मीडिया की खबरें इदारे तबसरे इलेक्शन नतज को मशकूक बना चुके हैं। हारने वाली जमातों के साथ इंतखाबात में फतह हासिल करने वाली जमातें भी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM अपने अपने तहफ़ात का इजहार कर रही है मगर नतज तस्लीम करती हैं। लेकिन PTI, जमीतुलमा इस्लाम, ANP, जमात इस्लामी, GDA समेत दीगर कई जमातों ने इंतखाबी नतज को मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आवाज़ें बुलंद से बुलंदतर होती जा रही हैं। आज जामशोर और सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों पर मुश्तमिल ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस यानी GDA ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें बहुत बड़ी तादाद में आवाम शरीक हुए। आवाम के इस अजीम जम गफीर के पुरमन एहतजाज में JUI जमात इस्लामी ने भी भरपूर शिरकत की। GDA हामी जमातों ने सिंध में जामशोर इंटरचेंज पर जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने सूबे के 3 मकामात पर एहतजाजी धरने दिए। इसके अलावा आज ही जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में भी एहतजाज किया। 5 रोज़ कबल TLP ने लाहौर में इंतखाबात धांधली के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया था। बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाज एक हफ्ते से जारी है। PTI के बानी इमरान खान ने कल अवामी एहतजाज की कॉल दे रखी है जबकि आज इस्लामाबाद में PTI के रहनुमाओं ने कारकुनान के हमरा धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि इंतखाबात में हमारी 179 नशस्तें होनी चाहिए थी, हमसे 85 नशस्तें छीनी गईं। कौमी असम्बली की 46 नशस्तों का डेटा हमारे पास मौजूद है। इन हलकों में फॉर्म 45 की बुनियाद पर हम इलेक्शन जीत चुके हैं। कल एक गैर मुतवक्के पेशरफ में PTI का वफ़द JUI क़यादत से मिलने पहुंचा जहां दोनों जमातों का इतफाक़ हुआ कि 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा है और अवामी मैंडेट की दुरुस्त तर्जुमान नहीं। ऐसे इंतखाबात से मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम नहीं आ सकेगा। फजलुर्रहमान ने इंतखाबात में धांधली के वो इल्ज़ाम लगाए कि खुदा की पनाह धांधली का सबसे बड़ा बेनिफिशरी नून लीग को करार दिया और अपने मौक़ में इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन इन सब के बावजूद कुशायद बात यह है कि JUI, FPTI और ये दोनों जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा होंगी और ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहती हैं। अब इस मौजू पर बात करते हैं। एहतजाज और भरपूर एहतजाज हमने ख़ास तौर पर आज जामशोरों में देखा। अंदरून सिंध की जमातें मुत्तहिद हैं इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अयाज़ लतीफ़ पलीजो, सरबरा कौमी अवामी तहरीक। बहुत बहुत शुक्रिया पलीजो साहब, ये बताएँ कि ये एक आज की तो बहुत बड़ी एक गैदरिंग हो गई है लेकिन ओवरऑल जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, जो सारी सिचुएशन है, आप एक जुलूस निकाल लें, एक जलसा कर लें, एक रैली कर लें, मगर जो नतज आ चुके हैं, अब जो तमाम सियासी जमातें जो हारी या जीती वो सब उसको इस लिहाज से तस्लीम कर रही हैं कि वो पार्लियामेंट में बैठ के और इसको अब जमहूरी तसलसल को बरकरार रखना चाहती हैं। ये एहतजाज अपनी जगह मगर इसका कोई नतीजा तो फिलहाल पलीजो साहब निकलने वाला नहीं है। कामरान खान साहब शुक्रिया। बात दरहकीकत यह है कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इस इलेक्शन पे रद्द अमल है सिंध के लोगों का। देखिए, पूरे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 15-20 साल में हुकूमतें तब्दील होती हैं, मुख्तलिफ लोगों को इक्तदार में आने दिया जाता है, मगर यह वाहिद सिंध का सूबा है जो पाकिस्तान का बानी सूबा है जहाँ 15-20 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत मुसल्लत की गई है। नतीजा ये निकल रहा है कि सिंध में ज़रात तबाह है, आप प्रोग्राम करते रहे, सिंध में इरीगेशन तबाह है, बल्दियात तबाह है, सिंध में गटर का पानी पिलाया जा रहा है तमाम अजला में, लोगों को, बच्चियों को रस्तों पे भीख मंगवाई जा रही है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर, सहाफियों की लाशें हैं, आम औरतों की लाशें हैं, बच्चियों की लाशें हैं, ऐसा हशर कर दिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियां बिक रही हैं, MD KAT के पेपर्स आउट हो रहे हैं, हर तरफ एक तबाही मची हुई है। उस तबाही के खिलाफ लोगों में एक उम्मीद की किरण होती है, हर सूबे में होती है कि भाई चले इन हुक्मरानों से जान छूटेगी, कोई और आएगा उसको आजमाएंगे। सिंध से ये उम्मीद छीन ली गई है। हर दफा होता क्या है कामरान खान साहब कि दो चीजें आती हैं इलेक्शन से पहले, एक तो ये होता है कि जोड़ तोड़ होता है, नए अलायंस बनते हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं, मगर आखिरी लम्हों में डील हो जाती है जो आज के GDA के जलसे में भी कही गई। दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान भर में करप्शन की बात होती है, तबाही है, बर्बादी है,
और फिर करप्शन के मुलजमान को कुछ सजाएं भी होती हैं, कुछ कन्विक्शन होती हैं। आप पंजाब में देख लें, केपीके में देख लें, सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पे बड़ा शोर गुल करके आखिर में जो करप्ट मुलजम होते हैं उनमें से किसी को कन्विक्शन नहीं होती, फिर वो बड़े शान और मान से आकर वजीर बन जाते हैं। तो सिंध में ये अगर इस पे अवामी रद्द अमल होता और जोर शोर का रद्द अमल होता तो हम इलेक्शन के दौरान देखते। आप लोग ज़रूर लगा रहे हैं धांधली के इल्ज़ामात और मुख्तलिफ इल्ज़ामात अपनी जगह हैं, लेकिन फैक्ट रिमेंस के शायद पब्लिक इतनी ओवरवेलमिंगली पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ निकली नहीं और उसने वोट नहीं दिया। मोर और लेस पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध का इलेक्शन जीती है, ये एक तासुर है जो कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। कामरान खान साहब, आप बिल्कुल ऐसा देख रहे होंगे। वजह यह है कि आप बाकी तीन सूबों से कंपेयर कर रहे हैं ना, वहां पे आरओज, डीआरओज, रिटायर्ड जजेस, अफसरान तमाम कोई 20 साल से खरीदे हुए नहीं है। जिस तरह मुर्गी अंडे बच्चे दे देती है ना, यहाँ करप्शन ने अंडे बच्चे दे दिए हैं। सिंध को एक इस किस्म की गुमनाम रेलवे स्टेशन बनाई गई है जहां फैसला साजी की कोई ट्रेन नहीं रुकती। इसलिए डीआरओ, आरओज, तमाम अफसरान, पुलिस के एसएसपी, पुलिस के डीआईजी और पुलिस डीसी, ये सब एमएनए एमपीए मुकरर करवाते हैं। उनको पता है कि आइंदा हुकूमत भी इन्हीं की आएगी, इसलिए वो उनके साथ आरओ डीआरओ बैठ के रिजल्ट बनाते हैं। आप कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वो जो हैजान जो इलेक्शन का होता है वो इसलिए नहीं है कि लोगों ने ये तय कर लिया है, लोगों ने सोच लिया है कि इस दफा भी इलेक्शन कुछ भी हो, नतज कुछ भी हो, उनको दे दी जाएगी। एक बात, एक आम तासर है जो इंतहाई खतरनाक है कामरान साहब, वो ये है कि यहाँ सिंध के लोग समझते हैं कि असल मुकाबला पंजाब में है पीएमएलएन और पीटीआई का। और जिस तरह 2018 में किसी पार्टी को लाना था तो सिंध को कुर्बानी की बलि का बकरा बनाया गया, वो समझते हैं अब किसी और पार्टी को लाना था, इसलिए फिर क्योंकि जरदारी साहब वरना उस पार्टी की इक्तदार में आने की राह में रुकावट होंगे 2018 में भी 2024 में भी, इसलिए जरदारी साहब को सिंध लिख के देनी दे देना है पेटी ठेकेदार को, ताकि वफाकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में जरदारी साहब उनके सहूलतकार बने और जिसको चाह जाए उसको हुकूमत मिल जाए। अच्छा, ये बताएं कि आज आपके आपके इस इज्तिमा में बहुत बड़ा इज्तिमा था, इसमें जेयूआई भी शरीक थी, जमात इस्लामी भी शरीक थी, कल पीटीआई एक बड़ा उसने प्रोटेस्ट कॉल दी है, तो आप लोग क्या उसमें भी शरीक होंगे, क्योंकि पीटीआई आज आपके इस एहतजाज में शरीक नहीं थी बजाहिर। पीटीआई के कुछ लोग आए थे मगर पीटीआई का कोई बड़ा बड़ा डेलीगेशन नहीं था, पीटीआई के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मगर जीडीए की कयादत की जो आज हमने स्टेज पे मीटिंग की है पीर साहब पगारा की कयादत में इनफॉर्मल, क्योंकि फॉर्मल मीटिंग का वक्त नहीं था, उसमें हमने एक तो 20 को मोरो में अपने बहुत बड़े धरने का ऐलान किया है और दूसरा हमने ऐलान किया है कि सिंध असेंबली में जिस दिन ओथ ट्रेकिंग होगी उस दिन सिंध असेंबली का पूरा मन घेराव किया जाएगा। पीटीआई के हवाले से अभी तक हमारी जीडीए की कोर कमेटी को दावत नहीं मिली, दावत मिली तो उस पर पीर साहब पगारा की कयादत में उस पर गौर फिक्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब अयाज लतीफ पली जो हमारे साथ थे, मौजूद थे, सरबराह कौमी अवामी तहरीक। आज जीडीए ने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया जाम शोरों में इंतखाबी मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ।